अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू खुरफकान, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन यूएई। आई एम गोइंग टू खुरफकान फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो लेट्स गो विद मी एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ खुरफकान। सो गाइज, वी आर ऑलमोस्ट हेयर एट खुरफकान। आपने रास्ते में बहुत ही प्यारे व्यूज़ देखे होंगे, मतलब पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि व्यू किस कदर प्यारा है। सो गाइज, अभी हम हैं जहाँ पे अल राबी टावर्स हैं और यहाँ से व्यू इस कदर प्यारा आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू है। जी फ्रेंड्स, तो ये है अल राबी टावर, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, मुझे तो ये स्पॉट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं खुरफकान बीच और ये बीच बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप लोग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आए हैं सैंडी बीच, ये एक और बीच है खुरफकान में ही। तो ये बीच भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, यहाँ लोगों ने कैंप्स लगाए हुए थे अपने और मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ आप कैंपिंग के लिए भी आ सकते हैं और यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी थे, आपको भी नज़र आएंगे आगे चल के। तो मुझे तो ये बीच बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं। आई होप आप सब लोगों को सैंडी बीच अच्छा लगा होगा। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अनदर ब्यूटीफुल प्लेस, दैट इज़ अल रफीसा डैम। तो अभी वो थोड़ा आगे चल के है, तो तब तक हम लोग रास्ते में आने वाले व्यूज़ को इन्जॉय करेंगे और ये जो सैंडी स्टोन माउंटेन्स हैं इनको इन्जॉय करते हुए जाएंगे। फ़िलहाल मैं बैक सीट पर बैठी हुई थी, तो इस एंगल से मैंने मतलब अपने जो साइड विंडो से सारा बहुत ही प्यारा व्यू कैप्चर किया। मुझे तो ये रास्ता बेहद प्यारा लगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अल रफीसा डैम और ये बहुत ही प्यारा व्यू है।
ऐसा फील हो रहा था जैसे ना कोई सीनरी सी और असल वाली जगह नहीं है, इतना ये बहुत ही प्यारी जगह थी। तो ओके अभी हम लोग जो है ना सबसे टॉप वाली जगह पे, मतलब जहाँ पे हमने पार्किंग लगाई है, तो वहाँ से मैंने सारा व्यू कैप्चर किया है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे, मतलब हम पहले सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे, और जो फोर्थ है वो बिल्कुल इसके लेवल का है। तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी भी है, और यहाँ पे प्रेयर रूम भी है, टॉयलेट्स भी हैं, दो तीन शॉप्स भी थी जहाँ से आपको नॉर्मली चिप्स, केले, बिस्किट, जूस, पानी मिल सकता था। और यहाँ पे थोड़े से स्विंग्स भी लगे हुए थे बच्चों के लिए, और बोटिंग फैसिलिटी तो मैंने जैसे आपको बताया है। तो मुझे तो स्पॉट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा जी। फ्रेंड्स तो अभी हम आ गए हैं सेकंड लेवल पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स और माउंटेन्स, और ये बीच में जो डैम है किस कदर प्यारा लग रहा है। मैं तो आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जो लोग दुबई में रहते हैं या किसी और कंट्री से दुबई आते हैं, वो इस जगह ज़रूर आएँ। बहुत ही प्यारी जगह है ये, और मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मतलब नेचुरल सही फीलिंग्स आती हैं, और मतलब खुली सांस आती है आपको, मतलब बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता है वैसे तो पूरा यूई मतलब डेजर्ट है, तो ऐसी जगह पे आके ना बहुत अच्छा फील होता है। आप लोग ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिएगा। फ्रेंड्स तो मुझे तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ओवरऑल मुझे खरफुकान बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।